न्यूज लाइव देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद से, जहां पर दयाल नगर क्षेत्र में एक ही परिवार के चार सदस्य फांसी पर लटके मिले। परिवार दिल्ली के बुराड़ी का रहने वाला था। दिल्ली से लगे सूरजकुंड इलाके के दयालबाग में फांसी से लटके हुए दो शव बरामद हुए हैं। बंद मकान में शव बरामद हुए, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। परिवार दिल्ली के बुराड़ी का रहने वाला है। बंद मकान में शव बरामद हुए हैं, शवों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस से अभी मृतकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। फांसी लगाकर एक ही परिवार के चार सदस्य फांसी पर लटके, बुराड़ी का मामला। रुपेश बंसल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रुपेश, पुलिस क्या बता रही है मामले को लेकर? जहां तक जो पुलिस का अभी तक का तर्क आया है, पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है गरीबी के से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ये चारों मृतक हैं ये अभी अविवाहित थे, इनका विवाह नहीं हुआ था। हालांकि जो इनकी उम्र थी वो 30 और 40 के बीच में है चारों की, और अभी डेढ़ माह पहले इन दो चारों के जो माँ बाप हैं उनका भी देहांत अभी डेढ़ माह पहले हुआ है। तो घर में जो एक गरीबी का हाल था उससे तंग आकर इन चारों ने यहाँ पर आत्महत्या की है, और जो सुसाइड नोट मिला है वो भी यही दर्शा रहा है कि चारों ने यहाँ पर सुसाइड फांसी लगाकर सुसाइड की है, जिसका मुख्य कारण गरीबी को माना जा रहा है। जी, कुछ बता पा रहे हैं क्या इनके बारे में? जो आसपास के लोगों का कहना है कि इनके यहाँ पर कोई ज्यादा आवाजाही नहीं थी, यहाँ पर जो लोग थे उनका दूसरों से ज्यादा इनका संपर्क नहीं था, और कुछ ही समय पूर्व ही यहाँ पर आकर ये लोग बसे थे, तो इसलिए इनसे किसी का ज्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए वो कुछ भी इनके बारे में बताने में अभी बच रहे हैं। जी मिले, ठीक है। इनके इन चारों के कुछ बात व्यवहार के बारे में आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं क्या? ये लोग कब से यहां पर रह रहे थे, किस तरह का स्वभाव था, और क्या लोगों को इस बात की आशंका है कि रंजिश का भी मामला हो सकता है या मामला कोई और हो सकता है? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही समय पूर्व यहाँ पर ये लोग आकर बसे थे, इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका कोई ज्यादा इनसे संपर्क नहीं था, वो इनको जानते नहीं थे, और जो लोग हैं आज इनका ये कहना था कि क्योंकि आवाजाही इनकी बहुत कम यहाँ पर होती थी, इसलिए उनको इसके इनके बारे में कोई ज्यादा ना तो जानकारी है ना ही वो ज्यादा इनको कुछ बता पा रहे हैं। उनका ये कहना था बहुत कम आवाजाही इस पूरे मकान से यहाँ होती थी, जिसके चलते इनके बारे में कुछ भी पुख्ता रूप से कहना उनके लिए संभव नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका रुपेश बंसल इस खबर पर जानकारी देने के लिए।